लोकसभा चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक बार फिर सरना धर्म कोड का मुद्दा चर्चा में है। कांग्रेस सरना धर्म कोड के मुद्दे को लेकर भाजपा पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाती है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा से रांची प्रत्याशी संजय सेठ ने कहा कि आदिवासी समाज के हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कार्य किए हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी सरना धर्म कोड का मुद्दे को सिर्फ चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज सब समझ रहा है। राहुल गांधी आए थे जो आलू से सोना बनाते हैं, यहाँ के कहा उन्होंने कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो सरना कोड लागू करेंगे। बहुत अच्छी बात है। हमने उसी समय कांग्रेस का घोषणा पत्र मंगवाया कि भाई राहुल गांधी बोल के गए हैं। घोषणा पत्र जो होता है किसी दल का, तो वो आईना होता कि हम जब सरकार में आएंगे तो ये करेंगे। हमने मंगाया, कहीं भी कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में सरना कोड है ही नहीं। ये झूठ क्या राजनीति? अगर तुमको इतना था तो अपने मैनिफेस्टो में डाल दे कि सरना कोड हम लागू करेंगे। बोलोगे करो, बोलो कुछ, करोगे कुछ, लिखोगे कुछ। ये सब देश के, देश को कहते हैं तोड़ने वाले लोग, जिनको सेना पे विश्वास नहीं, जिनको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं, जिनको ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई पे विश्वास नहीं, जनता पे विश्वास नहीं, चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं, ईवीएम पे विश्वास नहीं। ये ऐसे लोग हैं जिनको जिनको राम पे विश्वास नहीं। राम को काल्पनिक बता दिया कि राम तो काल्पनिक है। क्या राम काल्पनिक है? ये ऐसे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। इन्होंने तो कसाब को आतंकवादी ने उनको कसाब जी बन गए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने आज से 10 दिन पहले क्या कहा, कसाब जी तो को आतंकवादी नहीं थे, वो तो एक आरएसएस का पुलिस अधिकार था, उसने हत्या की। अब बताओ, हिंदुस्तान में रहकर कसाब इतना बड़ा दुर्दांत आतंकवादी था, वो कसाब जी हो गए? कैसी भाषा, ये तुष्टिकरण। एक मणिशंकर अय्यर ने अभी एक हफ्ते पहले कहा भारत को हिंदुस्तान से डरना चाहिए। रे